3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन हेल्थ न्यूज़। गंदा पानी डालने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, आरोपितों ने पालिका अधिकारियों से की बदसलूकी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। फीडरों में आसपास रहने वाले लोगों द्वारा गंदा पानी डालने की शिकायतों पर गुरुवार को अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत नगर पालिका टीम के साथ मौके पर पहुंचे और निरीक्षण कर गंदा पानी डालने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बुधवार को भी जांच के लिए पहुंची पालिका टीम को देखते ही स्थानीय महिला पुरुषों ने उन्हें घेर लिया और जमकर खरीकोटी सुनाई तथा टीम के JN किशोर कुमार, कर्मचारी लोकेंद्र आदि के साथ बदसलूकी भी की। अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत ने बताया कि कुछ दिनों से शिकायत मिल रही कि फीडरों में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी जांच को लेकर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। जिन लोगों द्वारा गंदा पानी छोड़ा जा रहा है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिछले 4-5 दिनों से फीडर के अंदर पानी की शिकायत मिल रही थी, तो जिसकी जाँच करने के लिए पालिका द्वारा बल दल गया था, जिसका बदसलूकी की गई। इसलिए आज मैं पूरे दल के साथ मौके की जांच के लिए आया हूं और मौका दिया। सर, क्या फिल्टर में जो गंदा पानी आ रहा है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी? देखिए, जो गंदा पानी कुछ कुछ जगहों पे देखा, जहां पे भी छोड़ा जा रहा है, हालांकि सभी जगह पे नहीं है, जहां पे भी छोड़ा जा रहा है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ, ब्रह्मा मंदिर से साधु संतों के सानिध्य में शुरू हुआ अभियान। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence, Bank Colony Chauraha, Police Line, Ajmer, or near Kanak Shri Garden, Jawahar Nagar, Ajmer. ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर में राम मंदिर निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ बुधवार को साधु संतों के सानिध्य में जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर से हुआ। कार्यक्रम में ब्रह्मा मंदिर के संत सुरेशपुरी, संत नंद शरण, संत राम रत्नाचार्य, संत गिरीशानंद मौजूद थे। संतों ने बताया कि कई वर्षों से हिंदू समाज भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का सपना देख रहा था, जो कि राम भक्तों के बलिदान से अब संभव होने जा रहा है। हम सभी गौरवशाली हैं इस पुनीत कार्य में, मंदिर के निर्माण में हम सभी की भूमिका रहेगी। इस दौरान जय कुमार, रेशु पाराशर, पंकज सरवाड़िया, गिरिराज पाराशर, विष्णु शर्मा, कैलाश रैनबो,
बालकिशन पाराशर, नंदलाल पवार, जगदेव सिंह, मोहित पाराशर, सुभाष पाराशर, नेहरू पंडित, पीसागन पंचायत समिति के पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत, मदन सिंह रावत, कमल अग्रवाल, पवन पाठक आदि मौजूद रहे। जो भगवान का राम मंदिर बनने जा रहा है भव्य श्री अयोध्या जी में, उसके निर्माण निधि सहयोग के लिए द्वितीय चरण की शुरुआत आज यहाँ से प्रारंभ हुई है और डोर टू डोर हमारे पुष्कर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के सभी कार्यकर्ता मिलकर डोर टू डोर संपूर्ण पुष्कर राज में जाकर सबसे व्यक्तिगत संपर्क करके जो भी, क्योंकि चाहे दान तो एक कण का दो चाहे मन का दो, दान तो दान होता है, तो भगवान राम के लिए कोई मना भी नहीं करेंगे और डोर टू डोर हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर आज द्वितीय चरण की शुरुआत करेंगे। संतों के माध्यम से हम लोग सब आए हैं, उसमें भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी भव्य निर्माण हमारा प्रारंभ होकर अच्छा होगा, भगवान का मंदिर बनेगा। हम लोग भाग्यशाली हैं जो कि आज हमारी पीढ़ी में भगवान राम मंदिर का निर्माण होकर उस भव्य प्रतिमा का दर्शन करेंगे जहाँ ठाकुर जी बैठेंगे। कनक सिंहासन सीए समेता श्री रामचरित मानस में दशरथ जी की और माँ कौशल्या जी की एक अभिलाषा थी, तीनों माताओं की भी अभिलाषा थी कि राम जी और किशोरी जी दोनों कब सिंहासन पर बैठेंगे। तो हमारे लिए तो त्रेतायुग अभी चल रहा है वर्तमान में देखा जाए तो, हमारे जब राम जी हमारे सामने कनक सिंहासन पर बैठेंगे वो सौभाग्य जो माता कौशल्या जी को राम दशरथ जी को मिला वो हम सबको मिलेगा। तो कनक सिंहासन सीए समेता हमारे राम जी बैठेंगे, इसी के लिए द्वितीय चरण की शुरुआत हुई है। विभाग में 1200 गांव है, इसके लिए हमने 500 टोलियों का निर्माण किया है। प्रत्येक गांव, नगर, कस्बा, शहर में ये टोलियां आज से महाअभियान में निकल पड़ी है। प्रत्येक घर तक जाएंगे, प्रत्येक गांव गाड़ी तक जाएंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं छूटेगा और ये निधि समर्पण का अभियान है। सभी को जो है आस्था और गर्व का विषय है कि मैंने राम मंदिर का निर्माण किया है, ये प्रत्येक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। इसी कड़ी में देश के 5 लाख गांव और 14 करोड़ परिवारों को जोड़ने की जो ट्रस्ट की योजना बनी है वो ही हम साधु संतों के आशीर्वाद से इसको पूर्ण करने जा रहे हैं। आज हमने अजमेर विभाग का अभियान का प्रारंभ पूज्य जगत पिता ब्रह्मा जी और तीर्थराज पुष्कर जी के पूज्य आशीर्वाद प्राप्त करके और ये टोलियाँ 500 टोलियाँ यहाँ से प्रारंभ कर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। फ्रंट लाइन वॉरियर्स के बाद राजस्व विभाग के फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू। जिला कलेक्टर ने किया वैक्सीन लगवाकर टीकाकरण का शुभारंभ। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। मेडिकल एवं हेल्थ वॉरियर्स के वैक्सीनेशन के बाद आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया। गुरुवार को अजमेर में 13 सेंटर्स पर राजस्व विभाग के 1000 अधिकारी और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन शुभारंभ जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा ने खुद वैक्सीन लगवा कर किया। राजस्व विभाग के लगभग 1000 कार्मिकों को वैक्सीन की पहली डोज गुरुवार को लगानी है। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स से टीकाकरण कराने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि वे टीकाकरण के बाद पहले की भांति स्वस्थ हैं और अपने कार्य पर लौट रहे हैं। आज से अजमेर में फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कोविड का शुरू हो चुका है, जिसमें आज पहले दिन रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारी लगवा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने स्वयं ने यहाँ पर जेल में कोविड वैक्सीनेशन लगवाई है। मेरी सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स से अपील है और साथ में जो अगले चरण में भी वैक्सीनेशन का जिनका आना है नंबर, उन सब से अपील है कि सभी लोग आगे बढ़कर
स्वयं की इच्छा से कोविड वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। ये बिल्कुल सेफ है, अभी मैंने खुद लगवाई है, किसी भी तरह की कोई ऐसी कोई तकलीफ मुझे भी नहीं महसूस हुई और अच्छा लगेगा। हम लोग इस बीमारी से 11 महीने से लड़ रहे हैं, ये एक लड़ाई का एक और चरण है जिसमें हमें वैक्सीनेशन लगवा कर इस बीमारी से पूरी तरह से निजात पाना होगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा ने भी टीकाकरण कराने के बाद राजस्व विभाग के कार्मिकों से अपनी बारी के अनुसार आकर टीकाकरण कराने की अपील की। वैक्सीनेशन कार्यक्रम की अगली कड़ी में कल 5 फरवरी से पहले चरण में जिन फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने टीकाकरण कराया था उन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। वहीं अजमेर नगर निगम के लगभग 3500 अधिकारी कर्मचारियों को शुक्रवार और शनिवार को 12 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आज राजस्व विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने अपना वैक्सीनेशन करवा के किया है और उसके बाद मुझे और रेवेन्यू विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मेरा सभी से ये अपील और आग्रह है कि सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं और इतने दिनों तक कोरोना से लड़ने के लिए जो अथक प्रयास सभी ने किए हैं तो अब उसके बाद जब कोरोना वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है तो इस प्रोग्राम में अपना पूरा सहयोग करें। कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के पश्चात अभी किसी भी तरह की कोई समस्या कहीं नहीं आ रही है, सभी मेडिकल स्टाफ है उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है और रेवेन्यू स्टाफ भी आज ही अपना वैक्सीनेशन पूरा करवाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अपवित्र जानवर घुसने से मचा हड़कंप, खादिमों ने दरगाह कमेटी और सदर अमीन पठान के खिलाफ की नारेबाजी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony Chauraha Police Line Ajmer और near Kanak Shri Garden Jawahar Nagar Ajmer। गुरुवार को दरगाह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आवारा जानवर दरगाह के अंदर घुस गया। मुस्लिम धर्म में अपवित्र माने जाने वाला जानवर दरगाह के गेट नंबर 3 से अचानक अंदर चला गया, जिससे दरगाह में मौजूद जायरीनों में भगदड़ मच गई। दरगाह कमेटी के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस जानवर को बोरी में बंद कर अन्यत्र स्थान पर ले जाकर छोड़ा। इस घटना से आक्रोशित खादिमों ने दरगाह कमेटी और उनके सदर अमीन पठान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया। इसके बाद दरगाह को पूरी तरह से धोकर पवित्र किया गया। उन्होंने बताया कि 8 फरवरी से ख्वाजा साहब के 809वें उर्स का आगाज झंडा फहराने के साथ होने जा रहा है, लेकिन दरगाह कमेटी दरगाह की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। हाँ बताइए, क्या घटनाक्रम हुआ था अभी दरगाह के अंदर? आज सबसे दुखद घटना दरगाह शरीफ में घटित हुई। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में 3 नंबर गेट, जो कि लंगरखाना गेट कहलाता है, वहाँ से गंदा जानवर, गलीज जानवर दरगाह में दाखिल हो गया, जिससे जाइन में भगदड़ मच गई और खादिमों में बड़ा रोष है। और उर्स 809वां उर्स गरीब नवाज का 12 फरवरी से आगाज होने वाला है। 8 फरवरी को गरीब नवाज की बारगाह में परचम कुशाई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा मीडिया के हवाले से कि प्रशासन और दरगाह कमेटी क्या कर रही है,
इतना बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी बारगाह है, वहाँ पर प्रशासन के आदमी भी बैठे हैं, पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, उनके बावजूद भी वो जानवर अंदर कैसे दाखिल हो गया? क्या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते थे? वक्त किस वक्त दाखिल हुआ तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते थे क्या? खाली उनको बैठने के लिए बोला गया है क्या? आपका ये मानना है कि खाली दरगाह कमेटी के कर्मचारियों की वजह से ही होगा? नहीं, सबकी, जो प्रशासन है, जो बैठे हुए हैं, दरगाह कमेटी के कर्मचारी हैं, जो बैठे हुए हैं, सबकी स्पॉन्टी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में नई प्राचार्य प्रतिभा यादव ने संभाला कार्यभार। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भूपेंद्र यादव की पत्नी प्रतिभा यादव जयपुर से ट्रांसफर होकर आई अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में गुरुवार को जयपुर से ट्रांसफर होकर अजमेर आई प्राचार्य प्रतिभा यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया। प्राचार्य प्रतिभा यादव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर भूपेंद्र यादव की पत्नी हैं, जिनका तबादला जयपुर से अजमेर किया गया है। इससे पूर्व प्राचार्य पद पर आसीन डॉक्टर दीपक मेहरा 1 महीना 2 दिन प्राचार्य पद संभालने के बाद यहाँ से हस्तांतरित हो गए। आज प्रतिभा यादव के प्राचार्य पद पर आसीन होने के मौके पर महाविद्यालय के तमाम स्टाफ ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन और स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रतिभा यादव ने कहा कि कोविड-19 की वजह से राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 50% विद्यार्थियों के साथ महाविद्यालय में अध्ययन का कार्य शुरू किया गया है, जो नियमित रहेगा। इससे पूर्व ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही थी। इसके अलावा वे महाविद्यालय से वाकिफ होने के बाद यहाँ क्या नवाचार किए जा सकते हैं, उस पर भी अमल करेंगी। उन्होंने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और अध्ययन को प्राथमिकता देने की बात कही। गौरतलब है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में यह दूसरी महिला प्राचार्य हैं। प्राथमिकता तो हमारी स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट ही है, किसी न किसी रूप में, जिस रूप में भी हम उनकी हेल्प कर सकें स्टूडेंट्स की, सरकार की जो योजनाएं हैं उनके तहत उनकी हेल्प कर सकें, शिक्षा में गुणवत्ता हो, उसमें सुधार हो। और कोविड-19 के चलते नेचुरली हेल्थ सबसे बड़ी प्राथमिकता है, बच्चों की हेल्थ से बड़ी कुछ भी चीज़ नहीं है। तो हम पूरे कॉलेज को सैनिटाइज भी करेंगे और जितने भी प्रिकॉशंस राज्य सरकार ने जो आदेश दिए हैं प्रिकॉशन अपनाने के, वो सभी अपनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। विश्व स्तरीय ये कॉलेज है, मतलब बिल्कुल। तो इसमें क्या नवाचार आपको सीखे जाएंगे? नवाचार तो मैं एक बार पूरे कॉलेज को एक बार समझ लूँ, स्टूडेंट्स की समस्याएं क्या हैं उसके बारे में मैं जान लूं, उसके बाद ही हम कुछ नवाचार उसमें कर पाएंगे। उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए ही नवाचार होंगे। किस तरह से विद्यार्थियों को फैसिलिटी मिले, साफ सफाई के साथ साथ उनकी फैकल्टी के विकास समस्याएं रहती है, जो क्लासें हैं वो भी प्रॉपर नहीं ले पाती, तो इन समस्याओं को किस तरह से कर पाएंगे? क्लासेस तो अभी चूँकि 1 साल से तो कोविड की वजह से नहीं हो पा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। अभी जो गाइडलाइन है राज्य सरकार की, उसके अकॉर्डिंग जो 50% का रेशो है तो उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस होंगी और क्लासेस रेगुलर होंगी। ये बात आप मान करके चलिए कि हमारा जो ये कॉलेज, जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास को हम पीछे नहीं जाने देंगे, इसका गौरव बना रहेगा और अच्छे स्टूडेंट्स निकलेंगे यहाँ से, पढ़ करके निकलेंगे। उनकी रोज़गार की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा कि कैसे अधिक से अधिक हम रोज़गार दिलवा सकें उनको, उसके लिए तैयार कर सकें रोज़गार के लिए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और
हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा पूरी तरह से। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ग्राम मालपुरा के राजस्व ग्राम बायला में चारागाह भूमि पर बूचड़खाने के खिलाफ ग्रामवासी हुए लामबंद। जिला कलेक्टर को बूचड़खाने के आदेश निरस्त करने के लिए सौंपा ज्ञापन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। ग्राम मालपुरा के राजस्व ग्राम बायला से आए ग्रामीणों ने गांव में बनाए जा रहे बूचड़ खाने का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आदेश निरस्त करने की मांग की। गांव के एडवोकेट रहमत काठात ने बताया कि ग्राम बायला में सरकार के आला अधिकारी बिना ग्रामवासियों की राय के जबरन 4 बीघा चारागाह भूमि में बूचड़ खाने का निर्माण करा रहे हैं, जिससे ग्रामवासियों में आक्रोश है। ग्राम में जिस जगह बूचड़ खाने का निर्माण कराया जा रहा है, वहां आसपास कई भगवान के मंदिर हैं, जिससे लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए इस निर्माण कार्य के आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। लोग आज यहां पर आए हो, क्या पूरा मामला आपका? हम सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत मालपुरा से हैं, जिसका राजस्व गाँव बायला है। हम लोगों के वहाँ पर हमें प्रशासन द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व में ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत मालपुरा की जमीन पर अवैध रूप से सरकार प्रशासन, जो लोकल बॉडी है ब्यावर की, उनके द्वारा वहाँ एक बूचड़खाना अवैध रूप से खोलकर वहाँ पर हमारे जो मवेशियों की चरागाह जमीन है, जहाँ पर हमारे गाय, भैंस, बैल, बकरी, जो भी होता है, हमारे जो गांव वालों की जो सार्वजनिक जमीन है, जिस पर हमारे वर्षों से हमारे पुरुषों ने वहाँ पर कई मंदिर बना रखे हैं, कई छोटे छोटे वहाँ पर हमारे चबूतरे हैं पुरुषों के, इस तरह की चीज़ों के पास में बिल्कुल अवैध रूप से प्रशासन अपनी अधर्मता करते हुए वहाँ पर एक बूचड़खाना 4 बीघा में, जो इस नगर परिषद की सीमा से बाहर जाके कानून के उल्लंघन करते हुए, आप नगर परिषद की सीमा में बनाई, हमें एतराज़ नहीं, लेकिन हमारी जो ग्राम पंचायत की सीमा, उसमें घुसकर आप अगर अवैध रूप से अगर बूचड़खाना बनाएंगे तो किस प्रकार से ग्रामीणों में रोष है। इस बात को लेकर आप श्रीमान कलेक्टर महोदय से हम रूबरू आज मिलना आए हैं, अपना ज्ञापन देना आए हैं, सरकार को चेतावनी देना आए हैं कि आप अगर हमारे गांव की जमीन पर अवैध रूप से कोई कार्य करने का अगर कार्य करना जा रहे हैं, तो आपसे खुलेआम चेतावनी आप नहीं करें, क्योंकि पूरा गांव उसके खिलाफ है। क्योंकि वहां पर जो बरसात का पानी है पहाड़ के वहां पर बनाया जा रहा है, तो बरसात का पानी वहाँ आएगा तो आएगा हमारे खेतों में, आएगा हमारे नलकूपों में, आएगा हमारे कुओं में, तो क्या हम खून से, रक्त से लिप्त पानी पियेंगे? क्या गांव के किसानों को, मजदूरों को, जो अपने दहाड़ी मजदूरों के लिए वहाँ पर पहाड़ों में खोद कर छोटे मोटे अपने जीवन यापन करते, उस पर भी आप कुटाघात करना चाह रहे हो? सरपंच पुत्र हवलदार नजीर काठात ने बताया कि गांव में जानवरों के चरने की जगह के साथ ही ग्रामवासियों के पीने के पानी के स्रोत भी वहीं हैं, और उसके नज़दीक चारागाह भूमि पर सरकार जानवरों को काटने के लिए बूचड़खाना बना रही है। इससे ग्राम का वातावरण प्रदूषित होगा, जबकि ग्राम बायला एक आदर्श ग्राम है जहाँ सभी तरह की सुविधाएँ सम्पन्न हैं। ऐसे में यहाँ बूचड़खाने का निर्माण कराया जाना न्यायसंगत नहीं है, लिहाजा ग्रामवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन इस आदेश को निरस्त करे। जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए ग्राम मालपुरा के ग्रामीणों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। जय हिंद। आज हम ग्राम पंचायत मालपुरा से आए हैं और हमारे बायला गांव में अवैध बूचड़खाना निर्माण किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम कलेक्टर महोदय साहब को ज्ञापन देने आए कि हमारे गाँव में या हमारी पंचायत की जगह में अवैध बूचड़खाना ना बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर हमारे गाय, भैंस, बकरियाँ चरती है और हमारे गांव का पानी बहकर तालाब में जाता है, वहाँ पे धार्मिक स्थल भी है, इसलिए
हमारे पूरी पंचायत वासियों की ये मांग है कि हमारे पंचायत में ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे पंचायत में नुकसान हो। आने वाली पीढ़ियों को भी इसमें बहुत लॉस है, वहाँ पे कल को कुत्ते होंगे, जंगली जानवर आएंगे, इसलिए गांव में बहुत ही बड़ा रोष लेके हम आए हैं कि वहाँ हमारे उचड़खाना नहीं बनाया जाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कंटेनर में टक्कर से लगी भीषण आग, आग से 2 लोग जले, दोनों वाहन हुए भस्म। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। ब्यावर के नजदीक नरबतखेड़ा हाईवे पर बुधवार देर रात ओवरटेक करने के दौरान ट्रेलर और कंटेनर टकरा गए। इस दुर्घटना में ट्रेलर का डीजल टैंक फट गया और भीषण आग लग गई, जिसमें ट्रेलर के चालक और खलासी जिंदा जल गए। ब्यावर से पहुंची दमकलों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। जवाजा थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। दमकल कर्मी की जानकारी के अनुसार बीती देर रात ब्यावर उदयपुर राजमार्ग पर नरबतखेड़ा के निकट ओवरटेक करते समय दोनों वाहनों में टक्कर हो गई, जिससे कुरकुरे से भरे ट्रेलर के डीजल टैंक में आग लग गई। अचानक लगी आग से ट्रेलर धू धू कर जलने लगा, इससे चालक और खलासी जिंदा ही जल गए, जबकि दूसरे कंटेनर में सवार चालक ने कूद कर जान बचाई। देखते ही देखते दोनों वाहन जलकर भस्म हो गए। हादसे के दौरान हाईवे पर वाहनों की दोनों ओर लंबी कतार लग गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस ने चालक व खलासी के शव को राजकीय चिकित्सालय के चीरघर में रखवा दिया है। दोनों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। जवाजा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिला प्रमुख सुशील कुमार पराड़ा के निर्वाचन क्षेत्र मसूदा के वार्ड नंबर 14 से आए जनप्रतिनिधियों की जनसुनवाई। 11 ग्राम पंचायतों के सरपंच, वार्ड पंच और ग्रामवासियों ने बताई समस्याएं, समाधान के दिए गए आदेश। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। जिला परिषद में गुरुवार को जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा के निर्वाचन क्षेत्र मसूदा के वार्ड नंबर 14 के अंतर्गत आने वाली 11 ग्राम पंचायतों से समस्त सरपंच व वार्ड पंचों और ग्रामवासियों को आ रही समस्याओं के निदान के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया।
इस मौके पर जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा के कक्ष में संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों की समस्याओं से अवगत कराया गया। जिला प्रमुख श्रीमती पलाड़ा और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने तत्काल समस्या समाधान के निर्देश अधिकारियों को प्रदान किए। अधिकतर समस्याएं पानी और मनरेगा से संबंधित थी, जिनके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। गौरतलब है कि जिला परिषद में प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आज विशेष रूप से जिला प्रमुख के निर्वाचन क्षेत्र मसूदा के वार्ड नंबर 14 के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। आज के जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा है मसूदा क्षेत्र से 14 नंबर वार्ड से मैंने जो जहाँ से चुनाव लड़ाया है वहाँ से सारे मेरे 11 पंचायत आती है मेरे चुनाव में क्षेत्र में, उनमें सभी सरपंचों को मैंने बुलाया है और उनको यही कहा कि भाई जो भी अपने गांव की समस्या है, चाहे पानी की समस्या हो या मनरेगा की समस्या हो या मनरेगा की तरफ से जो गाँव में सीसी रोड है, जैसे हर घर में बिशलपुर के कहीं पाइपलाइन टूटी हुई है, कहीं अवैध कनेक्शन है, तो कहीं पानी नहीं आ रहा है, सात सात दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने मेरे जो 14 नंबर वार्ड से मेरे 11 पंचायत के जो सभी सरपंच है, सभी मेरी आम जनता है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, सरपंचगण, सभी वार्ड पंच सबगण, मैंने सबको बुलाया है और मैंने यही कहा है जो आपकी समस्या है मैंने इस हिसाब को बुलाया है, इस हिसाब से ये सारे नोट कराए हैं, जो भी समस्या है गाँव की वो समस्या का समाधान करें। और किस तरह की समस्या लेके आए गाँव को ऐसे? अभी तो पानी की समस्या ही चल रही है, अभी तो पानी के विशेष में ही चल रही है, बाकी के मनरेगा की जो सीसी रोडे हैं, ब्लॉक रोडे हैं, उनकी समस्या का समाधान करने का भी हमने ये प्रयास किया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मैं माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार तक इन किसानों की बातें पहुंचाना चाहता हूं। आम 36 कौम के हित में ये न्याय प्रशासन को जो माननीय गहलोत साहब की सरकार ने तमाम 36 कौम के हित में काम किया है, इसमें अमल में लाए, ये संदेश अच्छा होगा, नहीं तो ये किसानों के वारिस तंग आ गए, कुछ भी कर लेंगे। भूमिहीन किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने दयानंद महाविद्यालय प्राचार्य और जिला प्रशासन के बीच हुए MOU को निरस्त करने की मांग। राजस्थान हाईकोर्ट में प्रकरण का निर्णय नहीं होने तक राज्य सरकार और जिला प्रशासन से यथास्थिति रखने की अपील। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। गुरुवार को भूमिहीन किसान संघर्ष समिति अजमेर द्वारा जिला कलेक्टर, ADA सचिव और दयानंद कॉलेज प्राचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा के बीच 27 जनवरी को हुए MOU को निरस्त करने की मांग की गई। बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे भूमिहीन किसान संघर्ष समिति के लोगों ने बताया कि 27 जनवरी को जिला प्रशासन और दयानंद कॉलेज प्राचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा के बीच रेलवे ओवरब्रिज और रास्ते को लेकर एक MOU साइन हुआ है। राकेश गढ़वाल ने बताया कि 105 एकड़ यानी 260 बीघा खातेदारी भूमि लेआउट 17 नवम्बर 1946 के बाद अवाप्त करने हेतु आर्य समाज केसरगंज को 16 जून 1951 को हस्तांतरित की थी। उस वक्त खातेदारी किसानों की कृषि भूमि DAV कॉलेज और DAV कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजिंग सोसाइटी दिल्ली नामक दोनों ही संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं की गई। ऐसे में यह प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है, जबकि दयानंद महाविद्यालय के प्राचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा ने MOU में निःशुल्क भूमि आवंटित कर सरकार को देने की घोषणा कर दी, जो कि सरासर गलत और धोखाधड़ी है। इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद किसानों ने DAV कॉलेज प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
जानकारी देते हुए समिति के लक्ष्मी नारायण सिंगोदिया और राकेश गढ़वाल ने बताया। 260 बीघा कृषि भूमि जो महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम की आड़ में उक्त समय आर्य समाज शिक्षा सभा नाम की फर्जी संस्था बनी और सरकार को गुमराह करके किसानों की जमीनें अवाप्त की। उस समय जो एग्रीमेंट हुआ वह एग्रीमेंट 15 वर्षों के लिए हुआ था, 51 से 66 के बीच में। अकॉर्डिंग टू लेआउट संस्था को तमाम जो उन्होंने एग्रीमेंट में किया था वो बनाना था बिल्डिंगे तमाम जो खसरा उस पर, अगर 15 वर्षों में वह संस्था जो आर्य समाज शिक्षा सभा अजमेर उसने एक संस्था बनाई थी न्यू DAAV एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कॉलेज, तमाम उनके फर्जी काम से 15 वर्ष में आज तक वो ज़मीनें खाली है। इसके लिए समय समय पर किसान जाकर सरकारों से मांग करी। नंबर 1, 96 में भैरव सिंह जी शेखावत सरकार के समय कलेक्टर साहब ने जांच करी और जांच में कलेक्टर साहब ने फर्जी मानी गई ये, और उस फाइल को इनके बड़े आदमियों ने दबा दिया गया। अभी सरकार ने फिर से उस जमीनों को सीज कर दिया, लेकिन ये अच्छा उस समय न तो न्यू DAAV एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कॉलेज अस्तित्व में थी और न आज की तारीख में है। आर्य समाज शिक्षा सभा ने फर्जीवाड़े से एग्रीमेंट के हिसाब से उसको किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, दिल्ली मैनेजमेंट को उन्होंने सबलेट कर दिया और तमाम दुकानें व्यावसायिक उपयोग किया, जबकि 15 वर्षों के अंदर अगर एग्रीमेंट के हिसाब से वो जमीनों पे लेआउट के अकॉर्डिंग अगर नहीं करती है तो एग्रीमेंट में दर्शा हुआ है जमीनें किसान पुनः सीज करेगी और एग्रीमेंट के हिसाब से या तो सरकार अपने पास रखेगी, तमाम लोगों के इसमें सरकार की जमीन को साथ रहेगी और ये प्रशासन और प्रशासन के कारिंदे जो बड़े बड़े लोग हैं सरकार को और स्थानीय प्रशासन को इनकी आंखों में झूक गुमराह करके इस प्रकार से भूमाफिया काम कर रहे हैं। किसानों के द्वारा हम चेतावनी देते हैं, सरकार ने जमीनें सीज करी है, इसका सरकार एक जांच एजेंसी गठित करे और न्यायपूर्वक इसका पूरा तमाम खंगाले। मैं कहता हूं कि इससे पहले भी आमरण अनशन हुआ था और DAAV कॉलेज शिक्षा सभा में कोई आदमी या नहीं आई, तमाम मीडिया ने उन्होंने जवाब दिया था। दिल्ली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कॉलेज के राजेश शर्मा हुआ करते थे, उन्होंने कहा साहब हम कुछ नहीं जानते, हमें तो बेटा दिया हम आए हैं। मैं माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार तक इन किसानों की बातें पहुँचाना चाहता हूँ। आम 36 कौम के हित में ये न्याय प्रशासन को जो माननीय गहलोत साहब की सरकार ने तमाम 36 कौम के हित में काम किया है इसमें अमल में लाए, ये संदेश अच्छा होगा, नहीं तो ये किसानों के वारिस तंग आ गए कुछ भी कर लेंगे। सचिव भूमिहीन किसान संघर्ष समिति अजमेर, और मैं आपके सामने सरकार के सामने ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये जो है अभी 27/1/2021 के अंदर अभी जो है ये हमारी जो ज़मीनें थी इसके विषय में सीज कर ली गई थी इनकी और करके UIT को ट्रांसफ़र कर दी। अभी ऐसे फर्जी संस्था के लोगों ने और प्रशासन ने मिलकर के और उच्च स्तर से गलत कार्रवाई करा के गलत तथ्यों को बता करके और इन्होंने क्या किया है कि MOU मतलब समझौता कलेक्टर ADA और DAAV के प्रचार द्वारा वो किया गया जो उसको उसका अनुमोदन करने के लिए भेजे हैं, तो उसको निरस्त करने के लिए जो MO किया गया है 27/1/2021 में, तो उसको हमने निरस्त करने के लिए और हमारी ज़मीनें वापस देने के लिए एग्रीमेंट के शर्तानुसार देने के लिए सरकार को गुमराह कर रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। निगम चुनाव में कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों ने जयपुर पहुंचकर स्थानीय नेताओं की शिकायत। पराजित प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और मुख्यमंत्री के PS से मिले।
अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर शहर जिला कांग्रेस के असहयोगात्मक रवैये के चलते पार्षद चुनाव में हार का मुंह देखने वाले कांग्रेस के असंतुष्ट पार्षदों ने आज अजमेर के दो शीर्ष नेताओं के विरुद्ध प्रदेश आलाकमान से मिलकर उनकी शिकायत की है। प्रत्याशियों में शामिल वार्ड नंबर 25 से विजय नागौरा, वार्ड नंबर 46 से धर्मेंद्र नागपाल, वार्ड नंबर 2 से शैलेश गुप्ता, वार्ड नंबर 22 से नीता सुनील केन, वार्ड नंबर 27 से राखी श्रवण टोनी, वार्ड नंबर 42 से रेखा पिंगोलिया, वार्ड नंबर 40 से अरुणा कछावा, वार्ड नंबर 62 से मंजू सोनी, वार्ड नंबर 23 से राजेश कुमार बोयत सहित अनेकों हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशी आज जयपुर पहुंचे और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मिलकर उन्हें लिखित में स्थानीय नेता व विधायक का चुनाव हार चुके हेमंत भाटी और महेंद्र सिंह रलावता के खिलाफ शिकायत दी। इसके बाद यह प्रतिनिधिमंडल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें भी पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिव से भी मिलकर उन्हें अपना शिकायत पत्र सौंपा। गौरतलब है कि कांग्रेस के इन हारे हुए प्रत्याशियों ने अपनी हार का पूरा ठीकरा महेंद्र सिंह रलावता और हेमंत भाटी के सिर फोड़ा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। निगम के मेयर पद के लिए दायर 3 नामांकन पत्र लिए वापस। कांग्रेस की द्रौपदी कोहली के समर्थन में कांग्रेस की चंचल बैरवाल, निर्दलीय पिंकी बालोटिया और काजल यादव ने लिया नाम वापस। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर नगर निगम के मेयर पद के लिए दायर नाम वापस लेने के लिए गुरुवार दोपहर 3 बजे तक का वक्त तय था। इससे पूर्व शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व विधायक डॉ. श्री गोपाल बायती, डॉ. राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस से नामांकन दाखिल करने वाली चंचल बैरवाल द्वारा भरे गए नामांकन वापस ले लिए गए। इनमें कांग्रेस से बागी काजल यादव और पिंकी बालूटिया थी, जिन्होंने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा था। वहीं चंचल बैरवाल, जो कांग्रेस के सिंपल पर चुनाव लड़कर जीती, उन्होंने द्रौपदी कोहली को समर्थन देते हुए अपना नाम वापस लिया। ईडीएम सिटी जिला निर्वाचन अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ के समक्ष तीनों प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस के आला नेता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सभी ने बताया कि द्रौपदी कोहली कांग्रेस की मेयर बनेगी, हमारे साथ जितने निर्दलीय वे हमारे खुद के पार्षद और जो बागी होकर चुनाव लड़े वह भी हमारे साथ हैं, साथ ही भाजपा के भी लगभग 15 पार्षद हमारे पक्ष में वोटिंग करेंगे। प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं, किस तरह की गणित दिखाई है, क्या चमत्कार की उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, कांग्रेस के जितने लोगों ने फॉर्म भरा द्रौपदी देवी के अलावा सबने वापस ले लिया और द्रौपदी हमारी सर्वसम्मत उम्मीदवार है। और मैं एक बात बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि कांग्रेस के पार्षद, निर्दलीय पार्षद और 15 से 20 बीजेपी के पार्षद वो हमारे संपर्क में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि द्रौपदी
मेयर बन के अजमेर की सेवा करेगी और आप सबको चमत्कार देखने को मिलेगा। तो क्या इतने समय तक क्या रणनीति आपने बनाई है वापस? अब यदि ये बता देंगे फिर तो वोट कैसे मिलेंगे हमारे को? नहीं, वो तो हम तक रहने दो। आप नहीं गुड नहीं नाराज होकर नहीं गए, नाराज होकर नहीं गए, वो उसका अपना तरीका काम करने का, नाराज होकर नहीं गया। नाराज होता वो विड्रो करने क्यों आते? कोई हरकत के लाए नहीं हम, और विड्रो करने क्यों करने आते? विड्रो अपने मन से करने आए ना, और खुद बन देखे आए विड्रो करने के लिए, खुद देखे आई हैं, इसलिए नाराजगी की वजह ही नहीं है। कांग्रेस एकजुट है, एकजुट आपको परिणाम देगी। मेयर के लिए हमारे पार्टी ने श्रीमती द्रौपदी को जो है यहाँ हमारा यहाँ का कैंडिडेट बनाया था। उसके लिए जो उस दिन हमने फॉर्म जो भरे थे उन लोगों को, जो हमारी काजल यादव निर्दलीय के रूप में थी और पिंकी बालोटिया जहाँ जो है हमारी कांग्रेस की थी, उन्होंने अभी विड्रॉल कर लिया है। और जो है हमारी द्रौपदी जी रहेगी और चंचल वेरवाल जो अभी आ रही हैं वो भी विड्रॉ कर रही हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकान है, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। शास्त्री नगर स्थित लाडली घर छात्रावास की दृष्टिबाधित छात्राओं ने राजस्थान ओपन बोर्ड में मारी बाजी। डॉक्टर कृष्णानंद जी के सानिध्य में अध्ययन कर रही निकिता शर्मा और सपना मीना ने किया पहला स्थान प्राप्त। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony Chauraha Police Line Ajmer or near Kanak Shri Garden Jawahar Nagar Ajmer. शास्त्री नगर लोहागल रोड स्थित लाडली घर में दृष्टिबाधित बच्चियों का आवासीय स्कूल और छात्रावास वर्ष 2017 से संचालित किया जा रहा है। इस छात्रावास में इस वक्त 25 दृष्टिबाधित छात्राएं यहां रहकर अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रही हैं। यहाँ के संचालक डॉक्टर कृष्णानंद जी महाराज ने बताया कि यहाँ कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं के साथ ही वार्डन बच्चियों को संस्कारवार बनाए जाने के साथ आत्मनिर्भर बनाने में प्रयत्नशील हैं। यहाँ ब्रेल लिपि से 5वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है, 10वीं और 12वीं की पढ़ाई राजस्थान ओपन बोर्ड द्वारा कराई जाती है। बड़े हर्ष का विषय है, यहाँ रहकर अध्यापन कर रही निकिता शर्मा और सपना ने राजस्थान 10वीं बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त कर सभी को गौरवान्वित किया। उन्होंने भामाशाहों, दानदाताओं और सहयोगी समस्त लोगों का आभार व्यक्त किया है। जी नमस्कार, लाडली घर दृष्टिबाधित नेत्रहीन बच्चियों का विद्यालय हॉस्टल है। 2017 में इसका आरंभ शास्त्री नगर में किया था, तभी से यहाँ करीब पूरे राजस्थान से 25 बच्चियाँ अध्ययन करती, ब्रेल लिपि से वो अध्ययन करती हैं। कड़े परिश्रम से और कुशल शिक्षकों के मेहनत से, अच्छी वार्डन की अच्छी शिक्षाओं से ये विद्यालय संस्कारवान बच्चियों को बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि ब्रेल लिपि के माध्यम से हमारे स्कूल की बच्चियां 5th तक पढ़ रही हैं और हम लोग 10th और 12th इन बच्चियों को ओपन से कराते हैं। तो आज बहुत प्रसन्नता का विषय है, शाला की 2 बच्चियों ने राजस्थान ओपन बोर्ड 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये सारा श्रेय शिक्षिकाओं को भी है और मोटिवेशन करने वाले भामाशाहों को भी है, जो लोग सहयोग करते हैं उनको ही ये हम बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने जो लाडली घर में सहयोग दिया, अप्रोक्ष रूप से परोक्ष रूप से बच्चियों को मोटिवेशन दिया, आज बच्चियां 10th पढ़ी हैं। हम आगे भी यही आशा करते हैं भामाशाहों से, दानदाताओं से और अच्छे लोगों से, इन बच्चों के सिर पर अपना हाथ रखें, मोटिवेशन करें ताकि ये बच्चियाँ और आगे बनके अपने पैरों पे
खड़ी हो। वहीं चूरू रतनगढ़ से यहां आकर अध्ययन कर रही निकिता शर्मा ने बताया कि वह स्वामी कृष्णानंद गुरु जी का धन्यवाद व्यक्त करती है कि उनके आशीर्वाद से वे सीधे चौथी के बाद दसवीं की परीक्षा देकर प्रथम स्थान में उत्तीर्ण हुई है। मैंने 10th पास की, मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया। स्टार्टिंग में तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता था, मैं छोटी क्लासेस में थी। पहले मैं छोटी क्लास से 4th से डायरेक्ट 10th की, तो नर्वस थी। फिर गुरुजी पापा वगैरह ने मुझे मोटिवेट किया, फिर मैं 10th का दे पाई। कौन से कहाँ से करी 10th आपने? कौन सा कुछ स्कूल है, आश्रम है, क्या है? मैंने लाडली घर अजमेर में, शास्त्री नगर में लाडली घर स्कूल है, वहाँ से मैंने 10th का एग्ज़ाम 10th पास की। आगे मैं टीचर बनना चाहती हूँ। क्यों, टीचर ही क्यों बनोगे? क्योंकि गुरु ही एक ऐसे इंसान होते हैं जो कि बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी ना बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें आगे बढ़वाऊँ। आप जहाँ पर लाडली घर में हैं, वो उन गुरुजी के बारे में कुछ बताएं। उन गुरुजी के बारे में जितना कहे उतना कम है। उनकी वजह से ही आज मैंने 10th क्लियर कर पाई हूँ। उनके आशीर्वाद की वजह से ही मैंने 10वीं की है, वरना मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी मैं 10वीं को। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकान है, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रोग अब लाइलाज नहीं, कैंसर पर जन जागरूकता की है जरूरत। लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा विश्व कैंसर दिवस पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा विश्व कैंसर दिवस पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। लॉयन राजेंद्र गांधी ने बताया कि प्रांतपाल लॉयन संजय भंडारी के आह्वान पर पूरे प्रांत में विश्व कैंसर दिवस पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। उसी क्रम में वैशाली नगर स्थित गुलमोहर गार्डन, प्रेम उद्यान, वीर उद्यान, भगत सिंह गार्डन और आसपास के क्षेत्रों में जन जागरूकता के लिए पैम्पलेट्स वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांतीय सभापति लॉयन रामकिशोर गर्ग ने कहा कि कैंसर अब सामान्य रोग हो गया है। कैंसर का समय पर एवं प्रारंभिक अवस्था में निदान और उपचार किया जाए तो इस रोग का पूर्ण इलाज संभव है। इस अवसर पर लॉयन आभा गांधी, लॉयन राजेश जाधव, लॉयन जेके जैन, राजेंद्र गांधी सहित अन्य क्षेत्रवासी मौजूद रहे। लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा प्रांतपाल के आह्वान पर विश्व कैंसर दिवस पे बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया। उसमें इसके बचाव और रहन सहन के तरीके बताने के लिए एक पैम्पलेट का वितरण पूरे अजमेर शहर के विभिन्न पार्क में, भगत सिंह पार्क में, गुलमोर पार्क में, अन्य स्थानों पर बांटे गए। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया और उसमें किस तरह से हम कैंसर के प्रति बचाव कर सकते हैं, अपने खान पान और उसको सुधार सकते हैं, और क्या नियमित हमारे जीवन में किस तरह से इस सेतु कार्य कर सकते हैं, इसका प्रचार हमने पैम्पलेट के माध्यम से पूरे अजमेर शहर में करने का प्रयास किया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वचन मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में चार दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वारदात की फिराक में पिस्टल और दो जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, पुष्कर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में किया मुकदमा दर्ज। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पुष्कर थाना पुलिस ने एक युवक को पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर जिले में अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुष्कर पुलिस ने थाना अधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में मेला मैदान के नज़दीक दबिश देकर ग्राम बासेली निवासी शिवराज को एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान एस पी साहब द्वारा चलाए जा रहे अवैध हथियारों के धरपकड़ के लिए विशेष अभियान श्रीमान एडिशनल एस पी साहब और श्रीमान शिव साहब के सुपरविजन में शिवराज पुत्र तोलाराम को एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस के साथ मेला मैदान के पास से गिरफ्तार किया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में चार प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में चार दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com, सच के साथ।